कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच दिवंगत हुए लोगों के अस्थियां विसर्जन के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को राजधानी के हवा महल विधानसभा क्षेत्र में लॉकडाउन में दिवंगत हुए लोगों की अस्थियां विसर्जन के लिए बस हरिद्वार के लिए रवाना हुई। मुख्य सचेतक महेश जोशी और जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम ने कलेक्ट्रेट सर्किल से बस को रवाना किया। वहीं बस रवानगी से पूर्व यात्रियों को सैनिटाइजर, मास्क और भोजन के पैकेट दिए गए। विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से लॉकडाउन में दिवंगत लोगों की अस्थियां विसर्जन करने और उनके परिवारजनों को हरिद्वार तक ले जाने के लिए निःशुल्क बस यात्रा कराई जा रही है। इस दौरान दिवंगतों के परिवार वालों ने निःशुल्क यात्रा के लिए मुख्य सचेतक महेश जोशी का आभार जताया। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी निःशुल्क अस्थि विसर्जन यात्रा की व्यवस्था की है। हमने भी ये पहले से घोषणा की हुई थी अपने विधानसभा क्षेत्र में, इसलिए ये एक बस आज हम अपने तरफ से भी रवाना कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लोगों की पीड़ा को समझा। एक ऐसा काम जो लोगों के पूरे जीवन से संबंध रखता है, कि अस्थि विसर्जन का काम अगर पूरा नहीं होता तो लोगों का ये मानना है कि उनकी जो पूरी क्रिया है वो नहीं होती। उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया, अस्थि विसर्जन की निःशुल्क व्यवस्था की, उसके लिए उनका आभार, उनका साधुवाद। और साथ ही ये जो हमारे यहाँ से विधानसभा क्षेत्र हवा महल से लोग जा रहे हैं, मैं इनके शांतिपूर्ण यात्रा की मंगल कामना करता हूँ। ये लोग भी जिस भाव से जा रहे हैं इनका मनोरथ पूरा हो, जो जिन लोगों का अस्थियाँ लेकर जा रहे हैं उन्हें मोक्ष मिले, गंगा मैया के